नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। तो मैं पर साथ हूँ। आज के स्टूडियो में बात करेंगे पीटीटी 2022 से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे कि जो पीटीटी 2022 की जो सेकेंड लिस्ट है वो कब तक आएगी, और सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, और अभी भी पीटीटी में कितनी लिस्ट खाली है, यानी जो आपकी सेकेंड लिस्ट है वो कितनी सीटों पर आएगी। ये सब बात इस स्टूडियो में करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप वीडियो को कंप्लीट देख लेना। जो न्यू स्टूडेंट है उन सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप सभी स्टडी लट को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना, क्योंकि आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी तो आपको सबसे पहले स्टडी लट के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन अत्यावश्यक कर देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पे देखिए आपकी सेकंड लिस्ट के बारे में बोला है। यहां पे देख सकते हो, हाँ, कॉलेज अलॉटमेंट आफ्टर अपवर्ड मोमेंट, यानी अपवर्ड मोमेंट के बाद आपकी जो कॉलेज अलॉटमेंट है यानी सेकेंड, यानी दूसरी कॉलेज आउंटन सूची है, सेकेंड लिस्ट है, वो आपकी आएगी 22/10/2022, यानी 22 अक्टूबर का आपका बोला है कि 22 अक्टूबर को आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे आपकी जो रिपोर्टिंग और आपकी जो एडमिशन फ़ीस जमा करवाने की अगर डेट नहीं बढ़ती है, ये दोनों डेट अगर नहीं बढ़ती है तब तो आपकी 22 को आ जाएगी। अगर ये दोनों डेट बढ़ जाती है, अगर ये दो तीन दिन डेट बढ़ जाती है तब आपकी लिस्ट आएगी 25 तारीख के बाद, ठीक है ना। तब आपकी लिस्ट आएगी 25 के बाद। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप कंफ्यूज मत होइए। अगर ये आपकी जो रिपोर्टिंग और एडमिशन फ़ीस की डेट नहीं बढ़ती है तब तो आएगी आपकी 22 तारीख को। अगर ये बढ़ जाती है दो तीन दिन तो आपकी लिस्ट है वो 22 की बजाय 25 के बाद ही आएगी। ज़्यादा चांस तो यही है कि आपकी रिपोर्टिंग और जो एडमिशन फ़ीस की जो डेट है वो 90% चांस है कि बढ़ेगी। तो आप मान सकते हो कि आपकी लिस्ट भी 25 तारीख के बाद या फिर 25 तारीख के तक आएगी, ठीक है। लेकिन आपकी लिस्ट शायद मेरे हिसाब से 22 या फिर 25 तारीख को आ जाएगी, ठीक है। लिस्ट को घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी लिस्ट 100% आएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपकी सेकंड लिस्ट की कट ऑफ है क्या रहेगी, उसके बाद में बात करेंगे कि अभी कितनी सीटें खाली है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आपकी जो सेकंड लिस्ट की कट ऑफ है वो ज़्यादा कुछ हाई नहीं रहेगी। आपकी फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ रही है उस और कट ऑफ में आपका 10-15 नंबर का हाईएस्ट अंतर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10-15 नंबर का अंतर रहेगा, या फिर आपका नंबर रहेगा 5-10 नंबर का अंतर रहेगा। जो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ रही है उससे और सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ में इतना ही अंतर रहेगा। फिर भी बता देता हूँ, अगर आपके 8 में 280 प्लस है तो आपका सेकेंड लिस्ट में आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड लिस्ट में आराम से आ जाएगा 8 में 280 प्लस है, किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है ना, किसी भी कैटेगरी से हो आप। और अगर आपके साइंस में, हाँ, साइंस में आपके लगभग 340 से ऊपर है तो आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है ना, आराम से आ जाएगा। मैंने जो कट ऑफ बताई उससे आप 10-12 नंबर माइनस कर लेना, ठीक है। तो साइंस में आप मान सकते हो कि 330 तक आ जाएगा, और 8 में 270 तक आपका सेकंड लिस्ट में आराम से मौका मिल जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ ज़्यादा कुछ हाई नहीं जाएगी, वैसे आपकी कट ऑफ कम ही रहेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी सेकेंड लिस्ट में कुल कितनी सीटें खाली है, सेकेंड लिस्ट में अभी तक भी कितनी सीटें खाली है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आपकी सेकेंड लिस्ट में बता दूँ, आपकी कुल 1,07,000 सीटें थी, ठीक है ना, 1.7 यानी 1,07,000 आपकी सीटें थी। उसमें से आपकी लगभग 90% पर आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी गई है, यानी लगभग बोलूँ तो आपकी 85 या फिर 90,000 पर आपकी सेकेंड लिस्ट आ गई। यानी प्रत्येक कॉलेज में आपके लगभग 10% सीटें खाली है, यानी आप मान सकते हो कि हर कॉलेज में 100 सीटें होती है तो आप मान सकते हो कि 10 सीटें खाली है। तो कुल कितनी आप मान सकते हो कि 973 के आसपास कॉलेज हैं। तो मेरे हिसाब से लगभग हम 1000 कॉलेज मान लेते हैं, ठीक है, 1000 कॉलेज मान लेते हैं यहाँ पर, और उनको गुणा कर दो आप 10 से, ठीक है ना, उनको आप 10 से कम करो तो यहाँ पर आपकी सीधी हो गई 10,000 सीटें, तो आपकी सीधी हो गई यहाँ से। और उसके बाद आप को ये भी पता है कि हर कॉलेज में लगभग 2 या फिर 3 विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है ना, 2 या फिर 3 विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हैं कि 5 विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है ना, 5 विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेंगे। तो आपको पता है लगभग आप मान सकते हो कि 1000 कॉलेज में 5 विद्यार्थी कर सकते हो, तो आप देख लो कि यहाँ पे 5000 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे। तो आप मान सकते हो कि 15000 सीटें अभी भी आपकी खाली है, ठीक है ना, 15000 सीटें अभी भी आपकी खाली है। तो आप मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ, इस हिसाब से होगा आपका 10000 सीटें वैसे भी शेष है, और 4-5000 ऐसे स्टूडेंट होंगे, 1 लाख में से 5-4000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। कम से कम आप 3-4000 तो मान ही लीजिए, यानी आपकी सेकेंड लिस्ट 100% 13000 सीटों पर तो पक्की आएगी, ठीक है। तो आप, मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका नंबर अत्यावश्यक आ जाएगा, सेकंड लिस्ट की कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं रहेगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आपकी सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। आपकी सेकंड लिस्ट या तो 22 को आ जाएगी या फिर 25 के बाद आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, और उसके बाद आपकी सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ है साइंस में आपके 330 के समथिंग, और 8 में जिनके 217 अगर वो प्लस है तो उनका आराम से नंबर आ जाएगा। और मैंने बता दिया लगभग 15 से 14 या फिर 15,000 सीटें अभी भी आपकी शेष है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल स्टडी लट के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी लट, मिलते हैं कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप स्टडी लट को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए चैनल स्टडी लट के साथ।